हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दो टॉपिक रहेंगे, एक तो जो हमारे चाक हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए, हम अपने चाक को किस तरीके से, जब हम अपने सूट में चाक को मजबूती देते, एक तो हम होता है कि हम उसमें आई बना देते हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि आप इस तरीके की लुक भी तैयार कर लें और जहाँ पे आपका चाक ख़त्म होता है वहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना होता है। तो लगाएंगे कैसे वो देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया ताकि स्ट्रेट सिलाई आए। तो इस तरीके से आपको लगाना है और जहाँ पे आपका चाक ख़त्म हुआ है वहाँ पे आपको वापस घुमाना है और जो है दूसरी साइड ले जाते हुए और इस तरीके से घुमा के वापस ले आना है। और सेम चीज़ जो है दूसरी तरफ आपको फॉलो करनी है। तो इस तरीके से जब आप अपने स्लिट्स को रेडी करते हैं तो ये उधड़ते नहीं हैं, सिलाई नहीं हटती है, क्योंकि कई बार क्या होता है फट भी जाते हैं उतारते टाइम, क्योंकि अगर आपका फिटिंग में है सूट तो ये चीज़ें काफ़ी आपने खुद जो है फेस की होंगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से किया करें, अगर किसी से सिलवाते हैं तो ये ज़रूर लगवाया करें। तो इस तरीके से आप अपने चाक को मजबूती दे सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं, बहुत आसान है। इस तरीके से घुमाते हुए दोबारा उतार लेना है, बस ध्यान ही रखना है कोई कपड़ा ना दब गया हो इधर उधर। ये देखिए कहीं पे सिलाई नहीं दिखाई देगी आपको दूसरी तरफ में। अब देखिए मैंने आयन कर ली है जितना कपड़ा फोल्ड करना है। तो ये लाइनिंग वाला सूट है, बड़े ही ध्यान से आपको काम करना होता है और नीचे से भी चाक फोल्ड करने के लिए मैंने जो है आयन कर ली है जिससे निशान बन गया है और ऊपर से भी मैंने जो है चोक चला दिया है। तो पहले आप जो है अपनी लेस को उल्टा रखेंगे इस तरीके से, 1 इंच ऊपर रखते हुए, जहाँ से आपके चाक ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से 1 इंच ऊपर रखते हुए और बिल्कुल जो निशान है आपका वहाँ पे रखना है आपको लेस को इस तरीके से। और आपको पहले सिलाई चलानी है, क्योंकि अगर हम एक साथ ही करेंगे मोड़ कर तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि हमारी लेस कहीं कहीं से दबती है। तो इसलिए पहले इसको लेस को फिक्स कर देते हैं हम। और ध्यान रहे आपका लाइनिंग वाला सूट है तो नीचे लाइनिंग भी सही तरीके से एडजस्ट रहे। तो यहाँ पे हमने जो है बिल्कुल जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पे और बिल्कुल कॉर्नर पे बस आपकी लेस जो है यहाँ पे फिक्स हो जाए। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है और जब आप कॉर्नर पे आएंगे तो इस तरीके से आपको लेस को मोड़ना है। और देखिए कोई दूसरी सिलाई आपको नहीं चलानी है, आप कोई नुकीली चीज़ लेंगे और उस लेस को इस तरीके से पकड़ते हुए और आपको इस तरीके से घुमाव दे देना है और दूसरी सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये पलटा जाए। तो ये तरीका आप ज़रूर से आपने आज़माएं जब भी आप जो है लेस लगाएं। तो इस तरीके से आप गुम लेस लगा सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, एक सिलाई में भी ये लग जाती है, क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है और कपड़ा भी थोड़ा सा फिसलने वाला है तो पहले हमें लेस फिक्स करनी चाहिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ज़रूर से पहले लेस ही फिक्स करनी चाहिए, चाहे पाइपिंग हो तो पाइपिंग ही फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें तक काम करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है तो हम जो है उस चीज़ में इतना फिनिशिंग आती है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए अपना जो है पहले लेस को फिक्स करें और उसके बाद जो है हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो वो कैसे करना है आप वो भी देखेंगे, इसको एंड कैसे करना है पहले वो देख लेंगे। तो हमने एक तरफ से शुरू किया वो तो आपने देखा, अब इसको एंड भी उसी तरीके से करना है 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, अब देखिए इसको जब दूसरी तरफ हम जो है लेस लगाएंगे तो क्या करना है, सेम एज हमें 1 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा ऊपर से लगाते हुए 1 इंच और उसी किनारे पे रखते हुए लेस को लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से लग गई हैं लेसेस, आप देखिए आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल जहाँ पे आपने सिलाई चलाई है उसी के ऊपर एक सिलाई और चला देनी है। ये काम एक साथ भी हो सकता था बट बिगनर्स के लिए, या फिर आपको कहूँ फिनिशिंग के लिए, आप जो है दो बार में करें ये काम, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें करना है और इसी तरीके से करना है। और एक और बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट
मैं आपको बता दूं, जब आप लेस लगाते हैं तो खिंचाव आ जाता है दूसरी तरफ वाले कपड़े में, तो आपका डेफिनेटली जो है आप जो ये फोल्ड कर रहे हैं उसमें झोल आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जो लेस की तरफ जो फैब्रिक है उसको खींचते हुए और इसको लूज रख, तो इस तरीके से आपको जो है फोल्ड करते जाना है। तो जब इस तरीके से आप जो है इनविजिबल लेस लगाते हैं तो बड़ी ही फिनिशिंग आती है, और कभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो कुछ निकली चीज़ से इस तरीके से आप दबाते चलें तो जो है जो झोल थोड़ा बहुत रहता है वो नहीं आ पाता बड़ा आसानी से। देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो आप जो है इस पर सिलाई भी चला सकते हैं दोबारा। मैं यहाँ पर जो है तुरपाई करूँगी तो मैं सिर्फ कच्चा करके दिखाऊँगी आपको, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो है सारा काम हम कैसे करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, जब आपका कॉर्नर आ जाए तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। सेम ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड, जितना फैब्रिक ज़्यादा रहता है वो फोल्ड हो जाता है, बस सेम ऐसे ही रखना है और इस पर चला देनी है आपने सिलाई। तो देखिए बिल्कुल आसानी से लग रही है हमारे लेस, और आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान से देखनी है कि जो नीचे से हमने जो फैब्रिक लिया है उसको खींचते हुए मैंने लिया है, तो यहाँ पे रेडी है लग के। बस अब हमने यहाँ पे जो है कच्चा करना है, तो मैं एक बार मोटी सिलाई चला लेती हूँ। अगर आपको एक सिलाई और चलानी है, वैसे तो यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि मैंने आयन कर लिया इसके ऊपर, तो मैं ऊपर से कोई भी स्टिच नहीं चलाऊँगी, बस एक ही सिलाई में भी ये लग सकती है। आज हमने थोड़ी सी दो सिलाइयाँ चला के दिखाई है आपको, ताकि बिगनर्स के लिए ईजी रहे वो चीज़ और झोल ना आए, क्योंकि कईयों के कमेंट्स होते हैं कि हम चाहे इस तरीके से हम लगा लें लेकिन क्या होता है कि झोल ज़रूर आता है। तो उस झोल का भी आज कारण मैंने बता दिया कि आप जब लेस की साइड वाला जो फैब्रिक आपको वो खींचते हुए लगाना है और तो आपका बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, और जब आप कच्चा करेंगे ऊपर से तो आप जो है फैब्रिक को इस तरीके से प्रेस करते हुए और पीछे से खींचते हुए जो है कच्चा करेंगे तो बिल्कुल भी जो है झोल नहीं आएगा, क्योंकि जो झोल अब कच्चा करते टाइम आ रहा है वो तुरपाई में भी रह जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से पहले आप प्रेस कर लें फैब्रिक को, क्योंकि आप ये फैब्रिक देख रहे होंगे बिल्कुल सिल्की है, सिल्क कॉटन सिल्क है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, चाहे वो कैसा भी फैब्रिक हो, तो हमने इसी तरीके से बड़ा आराम आराम से काम करना है और बड़ा फिनिशिंग के साथ आप देखेंगे। क्योंकि अगर एक चीज़ हम कुछ बनाते हैं तो उसको फिनिशिंग से और परफेक्शन से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है, कॉर्नर्स को कैसे फोल्ड करना है नीचे वाले को वो भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉर्नर बड़ा ही फिनिशिंग से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में आपको जो इनविजिबल लेस लगाना है, इनविजिबल पाइपिंग लगाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ऑल पर क्लिक करना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे और आगे आने वाले टाइम में और हम अच्छा काम करेंगे। तो इसी आशा के साथ देखिए हमने लेस लगा ली है और बड़ी फिनिशिंग से लगी है, आप ये देख सकते हैं सिल्क वाला फैब्रिक है उसमें भी हमने इतनी फिनिशिंग से इसमें काम किया है, तो आप भी जब लगाएंगे तो ज़रूर से इतनी फिनिशिंग आएगी। लेकिन एक काम रह गया, ये लेस हमने ऊपर से ओपन छोड़ी है तो इनको आपस में जोड़ना है, सुई धागे से इस तरीके से टक कर देना है, जिससे कि जो है ये लेस कभी भी खुली हुई महसूस ना हो। तो यहाँ से जब हम इसको पलटेंगे तो ये जुड़ी हुई दिखेगी, तो इस तरीके से आपने काम करना है, थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हैं हम। तो ये देखिए बड़ा पूरा काम मेरा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।